Hello students, today I am going to explain the chapter Components of Food. So let's begin. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. So here it is saying that in chapter 1 we have what we have done, we have listed all the food items in the given table, as well as we have discussed the food which we eat, all right, as well as the food which are ate by different parts of the world. Okay, a meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. Ab here it is saying meal consist of, meal mein kya kya cheeze hoti, meal consist, what does it consist? Chapati, dal और ब्रिंजल करी, isn't it? अगर हम वन टाइम का मील खा रहे हैं, दैट मीन्स हम अगर लंच खा रहे हैं, तो हम लंच में क्या लेते हैं? दाल, चावल और कोई भी एक सब्ज़ी यूज़ करते हैं, isn't it? या फिर इसमें सब्ज़ी क्या दे दिया है? ब्रिंजल करी दे दिया है, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी दे दिया, ओके? और हम, या फिर हम राइस सांभर खा रहे हैं मील में, या फिर हम क्या खा रहे हैं? लेडी फिंगर खा रहे हैं, isn't it? Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. और क्या क्या है? या फिर हम appam खा रहे हैं या fish curry खा रहे हैं और anything else. Now here in activity 1 it is saying our meals usually have at least one item made of some kind of grain. अब here it is saying कि जो हम लोग meal खाते हैं, ठीक है, उसमें एक item grain का बना हुआ होता है. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. और जो other item जो होता है वो या तो दाल का बना हुआ होता है, या फिर मीट का, या फिर कोई भी vegetable का बना हुआ होता है. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. और साथ ही साथ हम मील में क्या खाते हैं? साथ में अपना जो हमारा जो मेन कोर्स होता है उसके साथ हम या तो कर्ड खाते हैं, या बटर मिल्क लेते हैं, या फिर पिकल लेते हैं, या चटनी खाते हैं, isn't it? So examples of meals from different regions are given in table 2.1. अब यहाँ पे नीचे एक टेबल दे रखी है, इसमें अलग अलग जगहों की आइटम्स, मील आइटम्स दे रखा है, ओके? अब क्या मील आइटम्स दे रखा है वो हम लोग देखते हैं. लेट्स सी सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स में. अब पंजाब का है आइटम ऑफ ग्रेन, पंजाब का क्या है? मक्की की रोटी, मक्का रोटी. आइटम दाल या मीट, उसके साथ क्या खा रहे हैं? मक्के की रोटी के साथ हम क्या खा रहे हैं? राजमा खा रहे हैं. वेजिटेबल्स क्या है? सरसों साग. और अदर्स क्या है? कर्ड या घी ले रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश आइटम ऑफ ग्रेन, इसमें हमने पढ़ा था ना, कोई भी एक आइटम हम ग्रेन का लेते हैं अपने मील में, तो ग्रेन क्या हो गया? राइस. देन आइटम ऑफ दाल या मीट में हो गया हमारा तुअर दाल एंड रसम. देन वेजिटेबल्स में हमारा हो गया कुंदरू. अदर्स में क्या ले रहे हैं हम इसके साथ? बटर मिल्क, घी या पिकल ले रहे हैं, ओके? समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वराइटीज़ इन आर मील्स. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर अवेलेबल ऑन द वे. अब कभी कभी क्या होता है, हम इतनी सारी वराइटीज़ नहीं खाते हैं. हम अपने घर में तो खा लेते हैं इतनी सारी वराइटीज़, लेकिन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये सारी वराइटीज़ नहीं खा पाते हैं, ठीक है. इसमें से कुछ ही चीज़ें खाते हैं, या हमें जो भी उस समय अवेलेबल है खाने के लिए हम वो खाते हैं.
It may not possible for some of us to eat such variety of items most of the time. और साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हमेशा बहुत सारा वैरायटी वाला ही आइटम खा रहे हों. ठीक है. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशंस. डू यू थिंक दैट अ बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. तो क्या जब हम इतने सारे मील्स खा रहे हैं, मतलब एक मील के साथ हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, क्या मतलब है इतने सारे मील्स, एक मील में इतनी सारी चीज़ें खाने का क्या मतलब है? पता है आपको हम लोग क्यों खा रहे हैं इतना सारा मील? कोई तो रीज़न होगा कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक साथ खा रहे हैं. हम लोग अगर हम लोग दाल दाल नहीं खाते हैं, या राइस राइस नहीं खाते हैं, या चपाती चपाती नहीं खाते हैं, हम लोग दाल चावल सब्ज़ी पिकल या पापड़ ले लिया साथ में, या रायता ले लिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग, या सैलड ले लिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिक्स करके वन मील में खाते हैं. तो क्यों खाते हैं इसका भी रीज़न होता है. ठीक है, साइंटिफिकली इसका भी एक रीज़न होता है. सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अब जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, क्या चीज़ होती है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है? तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अब हम लोग ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी इन्ग्रीडियंट्स मिला के वो चीज़ बनती है. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन्ग्रीडियंट्स, इन्ग्रीडियंट्स क्या होता है पढ़ा था ना. अब जैसे हम लोग कोई सब्जी बना रही हैं, जैसे मम्मा आपकी बना रही हैं लेडी फिंगर, ठीक है. अब लेडी फिंगर बनाने में आपको क्या क्या चाहिए होता है? लेडी फिंगर चाहिए होता है, उसमें सॉल्ट चाहिए होता है, उसमें टर्मरिक चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है. ओके, the ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Yes, तो हमें क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. यानी कि जो हम एक सब्ज़ी बना रहे हैं उस सब्ज़ी में बहुत सारी इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो हर इन्ग्रीडियंट से हमें क्या मिलना है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये जो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए वो क्या है? देयर आर मेजर फाइव न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये आपको बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्या क्या वो फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, ठीक है. इसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि मेरे साथ साथ रिपीट भी करना है. तो बोलिए मेरे साथ साथ, क्या है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, अपने फिंगर में काउंट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. फाइव हो गए ना. एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या है वो फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये फाइव आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. अब इसके अलावा भी ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं? वो है फाइबर एज वेल एज़ वाटर. तो मेजर तो वो फाइव हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तो मेजर फाइव हो गई. बट इनके अलावा जो है वो फाइबर्स एंड वाटर भी है, इसकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. Do our food contains all these nutrients? अब यहाँ question एक arise हुआ है कि क्या जो हम food खा रहे हैं तो क्या ये सारी जो five major nutrients है क्या वो सारा का सारा उस food में present है? अगर हम चपाती खा रहे हैं तो क्या चपाती में ये पांचों चीज़ें जो five major nutrients हैं वो क्या
फाइव का फाइव प्रेजेंट है या हम राइस खा रहे हैं, तो ये फाइव जो न्यूट्रिएंट्स है क्या वो पूरी की पूरा फाइव में, ये फाइव न्यूट्रिएंट्स जो है क्या वो राइस में प्रेजेंट है? इज इट पॉसिबल? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इन्ग्रीडियंट्स कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब क्या कहा है कि आगे जो हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें हम लोग एक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस फूड में क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि फाइव का फाइव ही न्यूट्रिएंट्स एक फूड में पाया जाए, ठीक है, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, ठीक है, फाइव का फाइव नहीं हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन ये हम लोग टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम आगे टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम पता लगाएंगे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कि फैट है, कि विटामिन है, कि मिनरल्स है, ये हम लोग आगे के टेस्ट में पता लगा सीखेंगे कि कैसे हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ फूड में है। ठीक है, सो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तब इसमें जो हम लोग टेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसका टेस्ट करना सीखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। क्यों? क्योंकि ये तीन बहुत ही सिंपल होता है, ये ईजिली हम लोग अपने स्कूल में क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट है यानी कि जो हमारा बच्चा विटामिन एंड मिनरल्स का है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो जो सिंपल टेस्ट है वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्लास में आपकी मैम आप लोग को ये टेस्ट करके दिखाएं, पर यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे उन टेस्ट के बारे में। ओके, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशंस ऑन टेबल 2.2। इसके पीछे टेबल 2.2 दे रखी है, उसमें टेस्ट करके आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। ओके, गॉट माई पॉइंट? फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अब जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्ट, ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट की, एज वेल एज कास्टिक सोडा। इसको आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, मार्केट से ये सारा पाउडर फॉर्म में आप ला सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म में आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है करने का बुक से देख करके, ठीक है, तो आप लोग करिए ज़रूर, लेकिन किसी बड़ों की निगरानी में करिए। ठीक है, अकेले नहीं करना है और पूरा केयरिंग के साथ करना है कि कहीं ऐसा ना कि कोई केमिकल आपके ऊपर लग जाए या आपके मुंह में चला जाए। ठीक है, तो इसलिए पूरी केयरिंग के साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल में ज़रूर ये टेस्ट कराया जाएगा, वहाँ पे भी आप करके देख सकते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल्स। अब जो टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग किस पे टेस्ट करेंगे? कुक फूड पे करेंगे और रॉ मटेरियल्स पे करेंगे। और इस टेस्ट के लिए हमको आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा के साथ साथ क्या चीज़ की ज़रूरत है? फ्यू टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत है और एक ड्रॉपर की ज़रूरत है। ठीक है, तो सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और अदर available food items। अब next page में एक table दे रखी है, आप चाहे तो इस table के according आप food item लेकर के test कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी easily available food item मिल जाए आप उसके साथ उस food item को लेकर के आप test कर सकते हैं। Fine, now let's move ahead। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। टू डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। और इस टेस्ट को करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा और ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल आपको टेस्ट नहीं करना है। इससे पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ना कि कोई भी ऐसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो पॉइजनस हो सकता है। ओके, सो कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है
और अपनी बॉडी से भी बचा के रखना है कि कहीं आपकी बॉडी में कोई स्टेन ना हो जाए या आपकी बॉडी जल ना जाए केमिकल से, ठीक है। सो टेस्ट करते समय, कोई भी टेस्ट करते समय हमेशा बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अब इसमें क्या, ये जो सारा आइटम है ना, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ये पाउडर मार्केट में मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि स्कूल में क्या होता है, उस पाउडर को जो है उसका सॉल्यूशन बना करके रख दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पाउडर है तो आप भी इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ इस वाली टेबल पे, यहाँ इस टेबल पे ये दे रखा है। सो लेट अस बिगिन द टेस्ट, टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स का कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ओके। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अ फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो हमारे जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, स्टार्च का टेस्ट करेंगे तब हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। और अब हम आपको ये वाला ब्लॉग पढ़ा रहे हैं इसमें कि किस तरीके से कौन सा सॉल्यूशन बनता है, फिर उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगी, फिर जो नेक्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी गाइस, ओके। अब हमको आयोडीन बनाना है, तो अब हम आयोडीन कैसे बनाएंगे। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विथ वाटर। अब हमें आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग हाफ वाटर डालेंगे और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन का बनाएंगे, तो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा और फिर इस सॉल्यूशन को हम लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे, यानी कि फर्दर टेस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, अब सॉरी इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को हम डाल डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, और फिर उस सॉल्यूशन को हम सेपरेटली रख देंगे अपने फर्दर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट अब हमको क्या बनाना है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके रख देंगे एक साइड में फर्दर टेस्ट के लिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जो नेक्स्ट है वो टेस्ट फॉर स्टार्च, ये मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में ये सारा टेस्ट मैं अपलोड करूँगी। सो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।